नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज में आपके साथ स्वाति। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नए साल की शुरुआत में देशवासियों को जल्द कोरोना वैक्सीन की सौगात मिलने जा रही है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद आज का कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देनी है। लिहाजा उम्मीद है कि नए साल में कोरोना के टीकाकरण से यह महामारी खत्म होगी। कुछ नए चिकित्सा सेंटर व अस्पताल तो शुरू होंगे ही, पुराने अस्पताल भी पहले की तरह अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में जुटेंगे। इससे किडनी, दिल, लीवर की गंभीर बीमारियों व कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना के एक टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है, इसलिए दिल्ली में जनवरी में ही टीका लगाने का काम शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार ने टीकाकरण की पूरी तैयारी भी कर ली है। यहाँ पहले से 620 टीकाकरण केंद्र हैं। यहाँ रूटीन टीकाकरण होता है, वहाँ कोरोना के टीके भी लगाए जाएंगे। टीके के 74 लाख डोज के भंडारण की क्षमता है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति व कर्मचारियों व 50 साल से अधिक उम्र के लोगों व पुरानी बीमारियों से पीड़ित 51 लाख लोगों को टीका लगना है। सबसे पहले करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। एम्स में 3 नए सेंटर बनकर तैयार हैं। नए साल में इन 3 सेंटरों में चिकित्सा सुविधा शुरू होगी। इससे एम्स में 725 बेड बढ़ जाएंगे और कुल बेड क्षमता 3100 से ज्यादा हो जाएगी। एम्स में नए साल में सर्जरी ब्लॉक शुरू होगा, इसमें 200 बेड की सुविधा होगी। एम्स के गायनी और पेडियाट्रिक विभाग में मरीजों का दबाव अधिक होता है, लिहाजा एम्स परिसर में बने मार्थ व शिशु ब्लॉक में भी इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। इस ब्लॉक में 425 बेड व 12 ऑपरेशन थिएटर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।